मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में रची गई। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस यही बंद है। उसने कनाडा बैठे गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया, जिसमें पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख का मैनेजर भी शामिल बताया जा रहा है। पहले भी मूसेवाला की हत्या की कोशिशें हुई थी। हालांकि जब गैंगस्टर के गुर्गे मूसेवाला के गांव पहुंचे तो वहां AK-47 वाले कमांडो को देख लौट गए। बाद में हत्या के लिए उन्होंने गोल्डी बराड़ से रूसी AN-94 एवतो मैथ निकोनोव मंगाई थी, जिससे ही ताबड़तोब गोलियां चलाकर कल मूसेवाला की हत्या की गई। इसके पीछे तिहाड़ जेल से एक अनजान मोबाइल नंबर सामने आया है। इस मामले में पंजाब पुलिस उत्तराखंड पहुंची है। यहां उत्तराखंड की एसटीएफ के साथ मिलकर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक आरोपी लॉरेंस गैंग का संदिग्ध शार्प शूटर बताया जा रहा है। इसे हिमाचल से उत्तराखंड में घुसते वक्त एक कार रोककर हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस इसकी शिनाख्त कर रही है। मानसा में सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। इसके लिए मेडिकल के लिए बोर्ड बनाया गया है, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत 5 डॉक्टर शामिल किए गए हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में जुडिशियल कमीशन से जांच का पत्र लिखने के बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया है। वहीं कड़ी का सुरक्षा के बीच मानसा में मूसेवाला के प्रशंसक लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब पुलिस ने वारदात के 1 किलोमीटर दायरे के मोबाइल डंप उठाकर जांच तेज कर दी है। इस मामले में अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया। हाई कोर्ट ने पूछा कि वीआईपी सिक्योरिटी में कटौती की जानकारी लीक कैसे हुई। कई नेताओं ने HC में याचिका दायर कर यह मुद्दा उठाया। इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। गैंगस्टर के निशाने पर थे मूसेवाला, पंजाब सरकार ने फिर भी घटाई सुरक्षा। सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर के निशाने पर पहले से ही थे, इसके बावजूद शनिवार को पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा घटाई। उनके पास 2 ही गनमैन रह गए थे। सुरक्षा को लेकर मूसेवाला भी चिंतित थे। उन्होंने वकील से इस बारे में बात भी की थी। इसके अलावा अपने करीबी सिंगर अमृत मान को भी मिलने बुलाया था। मूसेवाला ने कोई ज़रूरी बात करने की बात कही थी। माना जा रहा है कि वह सुरक्षा के बारे में ही होगी। इसको लेकर अब पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 11 जून को आने वाला था सिद्धू मूसेवाला का जन्मदिन। इसके पहले ही उनकी हत्या हो गई। मूसेवाला 1993 में जन्मे थे। अब वह अविवाहित थे। मूसेवाला अक्सर अपने गीतों से विवादों में रहे हैं। उन पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का भी आरोप था। इसके बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने इस बार चुनाव भी लड़ा, हालांकि वह मानसा से हार गए। DRV न्यूज़ के लिए मनीषा जोशी की रिपोर्ट।